हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्करी यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कर गाइस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की इस प्लेलिस्ट के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स गाइस जब कभी हम लोग सर्च इंजन एंड ऑप्टोमाइजेशन की बात करते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन दो टूल्स के बारे में डिस्कशन ना हो गाइस सर्च इंजन एंड ऑप्टोमाइजेशन में गूगल सर्च कंसोल और जो गूगल एनालिटिक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बट गाइस बहुत सारे लोग कन्फ्यूज भी होते हैं स्पेशली बिगिनर्स जो है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि गूगल सर्च कंसोल में और गूगल एंटिक्स में क्या काम है क्या गूगल सर्च कंसोल का काम गूगल एंटिक्स कर सकता है या गूगल

तो वेबसाइट से इंटरेक्शन केवल दो चीजें करती है ठीक है जब कभी भी हम क्रॉलर्स के इंटरेक्शन को स्टडी करना चाहते हैं कि क्रॉलर्स हमारी वेबसाइट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर, कर रहे हैं वो प्रॉपरली हमारी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो हमारी वेबसाइट को इंडेक्स कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे वो हमारी वेबसाइट को रीड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे तो ये सारी जो चीजें हैं ये सारी जो रिपोर्ट हैं ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये हमें देखने को मिलती है गूगल सर्च कंसोल के अंदर तो जब कभी भी हमारी वेबसाइट के ऊपर क्रॉलर्स का क्या इंटरेक्शन हो रहा है इसको हमें स्टडी करना होता है तो हमें गूगल सर्च कंसोल की जरूरत पड़ती है और भी बहुत सारी चीजों के लिए गूगल सर्च कंसोल की जरूरत पड़ती है बट अगर हम मेजर तरीके से समझने की कोशिश करें तो ये है राइट जब कभी भी गाइज हम यूजर का बिहेवियर जो अपनी वेबसाइट है उसके ऊपर स्टडी करना चाहते हैं कि जो यूजर है वो किस सोर्स से आ रहा है जो यूजर है उसकी अपनी आइडेंटिटी आइडेंटिटी का यहां पर मतलब कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है मतलब यहां पर डेमोग्राफिक वगैरह है कि डेमोग्राफिक्स वगैरह उसकी क्या है वो किस टाइप से जो है वो बिहेव कर रहा है हमारी वेबसाइट के ऊपर उसका बिहेवियर क्या है वो किस टाइप से जो कन्वर्जन है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर कर रहा है तो अगर हमें ये सारी चीजें स्टडी करनी होती हैं, तो है तो हमें गूगल एनालिटिक्स की जरूरत पड़ती है तो वाइज क्रॉलर का इंटरेक्शन हमारी वेबसाइट के ऊपर स्टडी करने के लिए हमें गूगल सर्च कंसोल चाहिए यूजर का इंटरेक्शन यूजर का बिहेवियर हमारी वेबसाइट के ऊपर स्टडी करने के लिए हमें गूगल एनालिटिक्स चाहिए तो दोनों बिल्कुल सेपरेट टूल हैं ये तो बात क्लियर हो गई ऐसा नहीं है कि गूगल सर्च कंसोल का सब्सिट्यूट गूगल एनालिटिक्स हो जाएगा और गूगल एनालिटिक्स का सब्सटीट्यूट गूगल सर्च कंसोल हो जाएगा दोनों के काम बिल्कुल अलग है अब कुछ मेजर पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं

तुरंत क्या हो रहा है आपको देखने को नहीं मिलेगा बट गूगल को आप रियल टाइम में स्टडी कर सकते हैं ये ऑप्शन आपके पास होता है यहां पर रियल टाइम की सेपरेट रिपोर्ट ही होती है कि अभी हमारी वेबसाइट के ऊपर कितने यूजर्स हैं उनकी लोकेशन क्या है उनकी डेमोग्राफिक्स क्या है वो कोई इवेंट्स कर रहे हैं वो कौन से कन्वर्सन कर रहे हैं ये सारी इंफॉर्मेशन हमें रियल टाइम रिपोर्ट में देखने को मिल जाती है थर्ड पॉइंट इज वेबसाइट्स हेल्थ ट्रैकिंग ये होती है बेसिकली गूगल सर्च कंसोल के हेल्प से कि आपकी जो वेबसाइट है वो इंडेक्स वगैरह हो पा रही है नहीं हो पा रही है जितने पेजेस आपने बनाए वो सारे के सारे पेजेस इंडेक्स्ड हैं या नहीं ये सारी चीजें हमें गूगल सर्च कंसोल से पता चलती है यूजर्स रिलेटेड जो हमें ट्रैकिंग करनी होती है वेबसाइट के ऊपर वो सारी चीजें हम लोग गूगल एंटिक्स के थ्रू स्टडी करते हैं ओनली ऑर्गेनिक ट्रैफिक फ्रॉम गूगल सर्च इसको हम लोग यहां पर स्टडी करते हैं इसकी केवल हमें रिपोर्ट मिलती है इसका मतलब मैं आपको क्लियर बता तो देखो एक चीज ये कि जो आपने वेबसाइट बनाई इसके साथ जो क्रॉलर है वो किस तरीके से कर रहा है 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 ठीक ठीक ये हमें पता चल गया साथ साथ ही जब कोई यूज़र आता है, और वो गूगल के ऊपर गया गूगल सर्च के ऊपर के, के रिस्पांस में जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज जनरेट होता है वो कहां पर आ रही है किस क्वेरी पर आपके कितने इंप्रेशन हुए किस क्वेरी पर आपको कितने क्लिक्स मिले कौन सी क्वेरी किस लोकेशन से हो रही थी तो वहां पर आपको कितने इंप्रेशन मिले ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको पता चलती है बट तो ये इंफॉर्मेशन केवल आपको गूगल सर्च के रिस्पेक्ट में पता चलती है ऐसा नहीं कि कोई ट्रैफिक अगर बिंग से आ रहा है तो आपको यहां पता चल जाएगा कोई ट्रैफिक अगर फेसबुक ऐट से आ रहा है, तो है तो वो आपको यहां पर पता चल जाएगा कोई ट्रैफिक अगर गूगल ऐट से आ रहा है तो वो आपको पता चल जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है ये जो गूगल एटिक्स है ये आपकी वेबसाइट के ऊपर जितना भी ट्रैफिक चाहिए